गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे चटगांव शस्त्रागार लूटकांड। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड यह हुआ था 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो यह चटगांव शस्त्रागार लूटकांड में सूर्य सेन जिन्हें मास्टर दा कहा जाता है, पूछता है मास्टर दा किसे कहते हैं, तो सूर्य सेन को कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चटगांव शस्त्रागार को इन्होंने लूटने का प्रयास किया, ठीक है, और ये पकड़े नहीं गए, भाग गए वहाँ से, ठीक। और जब ये पकड़े गए तो इन्हें फांसी की सजा हुई। इनके साथ कुछ और लोगों को पकड़ा गया जिनको काले पानी की सजा हुई। उनका नाम है अंबिका चक्रवर्ती। दूसरा गणेश अनंत सेन। तीसरे हैं लोकनाथ महल। इन सबको काले पानी की सजा हुई, अंबिका चक्रवर्ती, गणेश अनंत सेन और लोकनाथ महल। एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें क्या है, बिहार के पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही थी प्रभावती देवी कर रही थी। तो इसमें पूछा जाता है चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था, तो 18 अप्रैल 1930 में। किस आंदोलन के दौरान हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो और उनके बाद इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, सूर्यसेन, जिनको मास्टरदा भी कहते हैं। इनके साथ और लोगों को काले पानी की सजा हुई, अंबिका चक्रवर्ती, गणेश अनंत सेन और लोकनाथ महल को काले पानी की सजा हुई। बिहार के पटना में प्रभावती देवी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। ओके, थैंक यू। बहुत देर पर आ गई।